बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि तालीम इस्लाम ये मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ैतुल्ला साहब देहलवी रमत की किताब है और मदारस में दरस नज़ामी के इब्तः दर्जों में पढ़ाई जाती है सवाल जवाब के अंदाज़ में हजरत मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ शरी और फ़िकी मसाइल को जमा किया है आज हमारा सबकान है मुद्रिक मसबूक लाहिक का बयान सवाल मुद्रिक किसे कहते हैं जवाब जिसको इमाम के साथ पूरी नमाज मिली हो यानी पहली रक़ से शरीक हुआ हो आखिर तक साथ रहा हो उसको मुद्रिक कहते हैं तो मुद्रिक जहर एक टर्म है ये पता होती है तो फिर ये मसाइल को समझना आसान होता है तो जिसको इमाम के साथ पूरी नमाज मिली हो यानी पहली रकत से शरीक हुआ हो और आखिर तक साथ रहा हो उसे मुदरिक कहते हैं सवाल मसबूक किसे कहते हैं मसबूक जवाब मसबूक उस शख्स को कहते हैं जिसको इमाम के साथ शुरू से एक या कई रकतें ना मिली हों यानी एक रकत रह गई अब आगे मिला है तीन नहीं मिली या तीन मिल गई या दो रकत मिली बाद की दो नहीं मिली तो गोया कि उसकी शुरू की कोई एक दो रकतें उसकी रह गई हों वो है मसबूक उस शख्स को कहते हैं जिसको इमाम के साथ शुरू से एक या कई रकतें ना मिली हों सवाल लाहक लाहिक किसे कहते हैं जवाब लाहक उस शख्स को कहते हैं जिसकी इमाम के साथ शरीक होने के बाद एक या कई रकते जाती रही हों जैसे एक शख्स इमाम के साथ शरीक हुआ लेकिन कादम में बैठे बैठे सो गया सो गया इतनी देर सोता रहा कि इमाम ने एक या दो रकते और पढ़ लीं एक या दो रकते और पढ़ लीं तो वो सो सोता रह गया तो बीच में उसकी रकते रह गई शरीक शुरू से हुआ था लेकिन बाद में रखते उसकी रह गई इसे कहते हैं लाहिक सवाल मसलूक अपनी छुटी हुई नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करेगा मसलूक अपनी छुटी हुई नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करेगा जवाब इमाम के साथ आखिर नमाज तक शरीक रहे जब इमाम सलाम फेरे तो मसवूक उसके साथ सलाम ना फेरे सलाम ना फेरे बल्कि खड़ा हो जाए और छूटी हुई रकतों को इस तरह अदा करे कि गोया उसने नमाज अभी शुरू की है मसलन जो, जो, जो जोर की नमाज़ हो रही थी पहली रकात उसकी रह गई दूसरी में मिला तो ये मसवूक है अब यह सलाम नहीं फेरेगा इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा होकर अब अपनी एक रकात पूरी करेगा पहली वाली यूं पूरी करेगा जैसे अभी नमाज शुरू की है अभी शुरू करने का मतलब यह सना पड़ेगा फातिहा पड़ेगा सोच पड़ेगा सब ये मुराद है तो छुट्टी रकतों को इस तरह अदा करे गया उसे नमाज अभी शुरू किया मसलन जब तुम्हारी सिर्फ़ एक रगत छुट्टी हो तो इमाम के सलाम के बाद इस तरह पढ़ो कि पहले सना और अउज़बिल्ला और बिस्मिल्ला पढ़ कर सुरफ पढ़ो फिर कोई और सूरत मिलाओ फिर कायदा के मुताबिक रकत पूरी करके कादा करो और सलाम फेरो ये तरीका हर नमाज की छूटी हुई रकत पूरी करने का है हर नमाज की शुरू रकात पूरी करने का और जब तुम्हारी जोहर या असर या ईशा या फजर की दो रकतें रह गई हों दो रकतें रह गई हों तो पहली रकत में सना और तवज़ और तस्मिया तावुज़ कहते हैं मिन शैतान रजीम पढ़ने को और तस्मिया तस्मिया कहते हैं बिसमिल्लर रहीम पढ़ने को तो तब और तस्मिया के बाद फ़ातह और सूरत और दूसरी रकत में फातह और सूरत पढ़कर कर रुकू सैदे करके कादा करो और सलाम फेरो अगर जोर या असर या ईशा की सिर्फ एक रकत इमाम के साथ मिली तो अपनी तीन रकतें इसी तरह पूरी करो कि पहली रकत सुर फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कादा करो और फिर एक रकत फातिहा और सूरत के साथ पढ़ो फिर एक रकत में सिर्फ फातह पढ़कर रकत पूरी करो और सलाम फेरो ठीक है अगर मगरब और अगर मगरब की एक रकत इमाम के साथ मिली हो तो एक रकत फातिहा और सूरत के साथ पढ़कर कादा करो दूसरी रकत भी फातह और सूरत साहब पढ़कर कादा करो और सलाम फेरो गर्ज जब नमाज की सिर्फ एक रकत इमाम के साथ मिली हो तो अपनी नमाज में एक रकत के बाद कादा करना चाहिए खा किसी वक्त की नमाज हो तो ये जो तरीका हजरत मुफ्ती साहब ने बता दिया कि मसबूक इस तरीके से अपनी रकात पूरी करेगा सवाल अगर मसबूक इमाम के सलाम फेरते ही खड़ा हो जाए खड़ा हो गया अगर मसूक इमाम का सलाम फेरते खड़ा हो गया और इमाम ने सजदा साफ़ किया तो मसवूक क्या करे क्योंकि उसने इमाम ने जैसे कहाकुम वरमत ला तो वो से उसको पता है कि मैं तो सलाम फेरना नहीं वो खड़ा हो गया जबकि इमाम ने सलाम फेर के अब सजदा साफ़ करना था अब क्या करे जवाब कहा कि लौट आए और इमाम के साथ सजदा साहब में शरीक हो जाए अगर ये खड़ा हो गया है तो अब लौट आए मतलब सजदे में शरीक हो जाए ये मतलब है इसलिए इसलिए लिखा है कि फौर सलाम फेरने पर फ़ौर खड़ा हो पहला सलाम उसने जब फेर दिया और दूसरा सलाम जैसे शुरू किया असलाम जैसे शुरू किया तो खड़ा हो जाए क्योंकि अब उसको यकीन हो गया कि यह सलाम जो इख्त में नमाज का है या सैद साहब की कोई गुंजाइश नहीं है अब मसबूक को खड़ा होना चाहिए सवाल अगर मसवूक ने भूले से इमाम के साथ खुद भी सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है जवाब अगर इमाम के सलाम से पहले या ठीक उसके साथ साथ सलाम फेरा तो मसबूक के जिम्मे सजदा साफ नहीं है और नमाज पूरी कर ले और अगर इमाम के सलाम के बाद उसे सलाम फेरा तो अपनी नमाज के आखिर में सज साफ करना वाजिब है सज साफ़ करना वाजिब है तो ये कहा कि सलाम अगर इमाम के सलाम से पहले या ठीक उसके साथ साथ सलाम फेरा यूँ उसके साथ व रमत साथ ही कर दिया फिर उसको याद अगर हो मैं तो रकात पढ़नी है तो बस वो दूसरा सलाम ना फेरे वो खड़ा हो जाए तो नमाज पूरी कर ले कोई सही साहब नहीं लेकिन अगर नमाज पूरी और अगर इमाम के सलाम के बाद उसे सलाम फेरा इमाम ने रमतल कर दिया उसके बाद अस्सलाम दूसरी तरफ चला गया ये इसने पहला वाला सलाम फेरा अब उसको याद है गो नहीं मैंने तो अपनी रकात पूरी करनी है तो उसको फिर जो है वो खड़ा हो जाना है खड़ा होकर रकात पूरी करेगा लेकिन आखिर में सजा साफ कर लेगा यह तरीका सवाल लाहक अपनी छूटी हुई नमाज किस वक्त और किस तरह पूरी करे जवाब लाहक की जो रकत किसी उजर मसल सो जाने की वजह से रह गई हो तो जिस वक़्त वो जागे पहले अपनी छुटी हुई नमाज इमाम के साथ छोड़ कर इमाम के सा, का साथ छोड़ कर पढ़ ले और इस तरह पढ़े जैसे इमाम के साथ पढ़ता है यानी किरात ना करे और जब छुट्टी हुई नमाज पूरी कर ले तो इमाम के साथ होकर बाकी नमाज पूरी कर ले और इमाम फारग हो चुका है तो बाकी नमाज भी उसी तरह पूरी करे जैसे इमाम के पीछे पढ़ता है यानी फातिहा और सूरह वगैरह नहीं पढ़ेगा और बस उतना वक्त खामोशी में गुजारेगा इस हालत में अगर उसे कोई साफ हो गया हो जाए तो सैद साहब भी ना करे क्योंकि इमाम के पीछे है और इमाम के पीछे अगर मुख्त से साफ हो जाए तो सजा साहब नहीं होता क्योंकि उस वक्त भी वो मुख्तदी है और मुख्त के साहब पर सैदा साहब नहीं आता तो ये वो तरीक़ा है इस तरीके से ये लाख अपनी नमाज को पूरी करेगा सैदा साहब का बयान सैदा साहब किसे कहते हैं साहब के माना भूल जाने के हैं भूलने से अब भूले से कभी कभी नमाज में कमी जाती होकर नुकसान आ जाता है बाजे नुकसान ऐसे हैं कि उनको दूर करने के लिए नमाज के आखिरी कादा में दो सजदे किए जाते हैं उनको सजदा साहब कहते हैं सजदा साहब कहते हैं लिहाजा भूले से सजदा भूलने का सजदा किया है सवाल सजदा साहब किस तरह किया जाता है जवाब कादा अखीरा में तशहद पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेकर फेर कर तकबीर कहे अस्सलाम असलम वरह करके अल्लाह अकबर तकबीर कहे और सजदा करे सजदे में तीन बार तस्बीह पढ़े कम से कम तीन बार है पढ़े फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और सीधा बैठ कर फिर तकबीर कहता हुआ दूसरा सजदा करे तो सैद साहब दो सजदे करे फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और बैठ कर दोबारा तयात पढ़े द्रुषि पढ़े और दुआ पढ़कर दोनों तो तरफ सलाम फेर दे अब ये सैद साहब के साथ नमाज मुकम्मल हो गई सवाल अगर सजदा साहब के सलाम से पहले अतः के बाद और दुआ भी पढ़ ले तो कैसा है सजदा साहब के सलाम से पहले अतता के बाद और दुआ भी पढ़ ले तो क्या है जब आब्बाज़लमा ने इसे एहतियातन पसंद किया है यानी सैद साहब करना था इसने लेकिन इसने अत के बाद सलाम नहीं फेरा बल्कि द्रूषी भी पढ़ लिया पूरी दुआ भी पढ़ ली अब उसके बाद सैयद साहब किया तो कह रहे बाज़ बाज़लमा ने एहतियातन इसको पसंद किया कि हाँ ऐसा करे कि सही साहब से पहले भी तशाह और द्रुद और दुआ पढ़े और सही साहब के बाद भी तीनों चीज़ें दोबारा पढ़े इस इसलिए पढ़ लेना बेहतर है लेकिन ना पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है अगर ऐसा पढ़ ले पहले भी सही साहब से पहले भी जो दुआ तक पढ़ ले सही साहब करे फिर सही साहब करने के बाद भी तो पूरा जो दुआ तक पढ़ के सलाम फेरे तो ये बहुत अच्छी बात है कोई बुराई इसमें नहीं है बल्कि विलूँ ने पसंद किया है लेकिन अगर उसने अतिया याद के बाद सलाम फेर के सही साहब कर दिया तो भी सही है इसमें कोई नुकसान नहीं है सवाल सईद साहब सिर्फ फर्ज नमाजों में वाजिब है या तमाम नमाजों में जवाब तमाम नमाजों में सईद साहब को हुक्म यकसा हैं सुनो तो नफलों में भी अगर ऐसी गलती की है तो उस वक्त भी आपको सैद साहब करना होगा सवाल अगर एक तरफ भी सलाम ना फेरा और सैद साहब कर लिया तो क्या हुक्म है मतलब यह असलाम्क वरह नहीं किया और सीधे दो सईद साहब के कर लिए तो बाद में उसे सलाम फेरा नमाज़ के अख्ताम किया तो उसके बारे में क्या हुक्म है तो बता रहे हैं क्या, 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 क्या कि एक तरफ भी सलाम ना फेरा और सही साफ कर दिया तो क्या हुक्म है जवाब नमाज हो जाएगी मज़र मगर कस्तन ऐसा करना मकरू तनजी है वो नमाज़ सही है उन्हें सलाम नहीं फेरा और बैठे बैठे अत्तियात पढ़ के और सै दो सही साहब करके और उसने अत्या यात दुआ पढ़ के सलाम फेर दिया तो कहते ये भी सही है लेकिन जानबूझ के जो ऐसा करना कि उसको पता है कि मुझे फेरना चाहिए था और खाम खा नहीं फेरा तो ये मकर तंजी है मकरू तंजी का मतलब खिलाफ ओला बेहतर नहीं है देखा तो सजदा एक, एक तरफ सलाम फेरना चाहिए सवाल अगर दोनों सलामों के बाद सदा साफ़ किया तो क्या हुक्म है जवाब एक रवायत के मुआफ़िक जायज़ है मगर कवी बात यह है कि एक ही तरफ सलाम फेरे अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो सही साहब ना करे बल्कि नमाज़ को दोहरा देखो तो इसमें जो है एक रवायत तो कहते जायज़ है मतलब उसने क्या असल वरम्लामल्ला किया तो अब उसको याद है ओहो में जो सही साहब करना था तो अब वो सही साहब कर लिया उसने सही साहब कर लिया फिर अतियात द्रूशी वह दुआ पढ़ के अब सलाम फेरा तो नमाज़ हो गई या नहीं कहते एक ही यह है कि नमाज़ हो गई लेकिन कहते थे कि कवी बात यह है अच्छी बात बेहतर यह है कि वो समझे कि आपसे नमाज खत्म हो गई अब ये दोबारा से नमाज दोहराए सही साफ करना काफी नहीं होगा बल्कि दोबारा नमाज पढ़ेगा ये है सवाल सैद साहब किन चीजों से वाजिब होता है जवाब किसी वाजिब के छूट जाने से या वाजिब में तख़िर हो जाने से या किसी फर्ज में तख़िर हो जाने से या किसी फ़र्ज को मुकदम कर देने से या किसी फर्ज को मुक्र कर देने से मुकर बार बार तकरार कर देने से मसल मतलब दो रुकू कर लिए या किसी वाजिब की कैफियत बदल देने से साहब वाजिब हो जाता है दो रुकू कर दिए भूले से तो मतलब सही साहब हो जाएगा सवाल ये बातें जिनको भूल कर करने से सजदा साहब वाजिब होता है अगर कस्तन की जाए तो क्या हुक्म है रुको जानबूझ के दो कर दिए भूले से नहीं जानबूझ के तो क्या हुक्म है जवाब कस्तन करने से सजदा साहब से नुकसान दफा नहीं होता बल्कि नमाज को लौटाना वाजिब होता है अब जानबूझ के अगर दो रुकू कर दिए तो इसका मतलब अब ये सजदा साहब से काम नहीं बनेगा बल्कि अब नमाज लौटानी पड़ेगी सवाल अगर एक नमाज में कई बातें ऐसी हो जाए जिनमें से हर एक पर सजदा साहब वाजिब होता है तो कितने सजदे करे अब एक तो दो रुकू कर लिए भूले से यह गलती होगी दूसरा मतलब सुरफ फातिया पढ़ना भूल गया ये गलती हो गई तो दो तीन गलतियां ऐसी साहब वाली जब हो गई तो अब सजदे साहब कितने करे तो जवाब सिर्फ एक मरतबा दो सजदे साहब कर लेना काफ़ी है तो बस एक ही दो सजद साफ़ करना काफ़ी है ये नहीं कि हर बदले में दो दो करे रुकू के दो करने की वजह से दो करे वफाद छूट जाने की वजह से दो करे गो कि चार करे ऐसा नहीं है बल्कि एक दफ़ा असल वरहतल्ला फिर के और दो सजदे साफ़ के कर ले तो बस काफ़ी है सवाल किरात में क्या क्या तगैरात हो जाने से सजदा साफ वाजिब हो जाता है किरात में जो कुर ग उसमें क्या जो है वो जो हो जा जाए बाद लोग गे इसको किरत पढ़ते किरत याद रखिए किरत का लफ्ज़ बोलना गलत है किरात बोलना चाहिए किरात किरत किरत बोलते हैं आप किरत का मान तो हलाकत के होते हैं बीमारी के होते हैं तो किरत जो बोलना ये सही नहीं है ये जो है लोगों की अवामी ग़लती है इसलिए किरात बोलना चाहिए जवाब अच्छा तो ये सवाल करें किरात में क्या क्या तब्दीलियाँ या तगर हो जाए जिससे सजी सा वाजिब होता है जवाब नंबर एक फ़र्ज़ नमाज की पहली रकत या दूसरी रकत या दोनों इन दोनों में और वाजिब या सुन्नत या नफिल नमाजों की किसी एक या ज़्यादा रकतों में सुरफा फातह छूट जाने से जैसे अभी मैंने पता स फातह भूल गए तो फिर मैं सूरफ फातह छूट गई इस पर जो है वो सही सा वाजिब होता है नंबर दो इन्हीं तमाम रक़त में पूरी सुरफ या उसके ज़्यादा हिस्सों को मुकर्र पड़ जाने से शुरु फातह दोबारा पड़ दी भूलें से सोच ख्याल के पढ़ी ही नहीं पढ़ी दोबारा पढ़ दी भूले से तो ये उसको गा के तकरार कर दिया दोहरा दिया तो सही हिसाब आ जाएगा नंबर चार नंबर तीन सूरज फातह से पहले सूरत पढ़ लेने से थे सूरफ फातह से पहले आपने ना तो ना कौसर पढ़ दी फिर याद आओह हो फातह पढ़ लिया आप सूर्य फातह पढ़ के फिर कौसर पढ़ रहे हैं तो ये आप सूरज से सूरज यह फातह से पहले पढ़ लिया आपने सही हिसाब आएगा नंबर चार फ़र्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकतों के सिवा हर नमाज की फ़र्ज हो या वाजिब या सुनत या नफिल किसी रकत में सूरत छूट जाने से सजा साहब वाजिब हो जाता है आपने जो सूरत नहीं पढ़ी फातह के बाद तो वो जो सूरत में आप पर सजा साहब वाजिब होगा बशरतिया के ये तमाम बातें भूले से हुई हूँ भूले से हुई हूँ लेकिन अगर जानबूझ के छोड़ा तो पहले बता दिया फिर नमाज ही वाजिब ले आता है पूरी नमाज वापस लौटाएंगे सवाल अगर भूले से तादीली अरकान ना करे तो सैदा साहब वाजिब होगा या नहीं जवाब आप साहब वाजिब होगा तादीली अरकान तादिल अरकान का मतलब यह है हर रुकन को पूरा इतमी के साथ तसली के साथ जो आप अदा कर रहे हैं तो आपने इतमान तसली से अदा नहीं किया और भूले से आपने किसी जगह जल्दी हबड़ दबड़ कर दिया तो मतलब है कि अब आपको सही साफ करना चाहिए सवाल अगर कादा उला भूल जाए तो क्या होगा मैं कादा उला भूल जाए तो क्या हुक्म है जवाब अगर भूले से उठने लगे तो जब तक बैठने के करीब हो तो बैठ जाए और सैया साहब ना करे और अगर खड़ा होने के करीब हो जाए तो कादा को छोड़ दे और खड़ा हो जाए और आखिर में सै साहब कर ले तो नमाज हो जाएगी तो मतलब कादा उला जो है पहली मरत में जो आता है या चार चार रकात वाली नमाज में पहला जो कादा करता इंसान रहता याद में बैठता है इसको कादा ओला कहते हैं तो कादा ओला के अंदर जब वो भूले से बैठा नहीं दूसरा सजा करके भूले से खड़ा हो गया जैसे खड़ा हुआ तो कहा कि अगर वो बैठने के करीब है याद आए तो फौरन बैठ जाए और अगर खड़े होने के करीब है तो याद आए तो मुझे बैठना था तो फिर अब बैठे नहीं अब खड़े ही हो जाए खड़े ही हो जाए और आप आखिर में सजा साफ कर ले तो उसकी नमाज दुरुस्त अब इसका क्या पता चलेगा बैठने के करीब है कि खड़े होने के करीब है उसका तरीका फोकान ने लिखा है इसके घुटने अगर सीधे हो गए इसका मतलब ये खड़े होने के करीब है और अगर घुटने अभी मुड़े ही हुए हैं तो समझो कि बैठने के करीब है तो उठते वक्त होता है घुटने तो घुटने अगर अब मुड़े हुए हैं मालूम है कि बैठने के करीब घुटने अगर सीधे हो गए अब ये खड़े होने के करीब है लिहाजा अब ये खड़ा हो जाए बैठे नहीं और सही साफ कर ले सवाल और किन किन बातों से सजदा साफ वाजिब हो जाता है जवाब नंबर एक रुकू मुकर्र यानी दोबारा कर लेने से डबल रुकू कर दिया सही सब वाजिब होता है नंबर दो तीन सजदे कर लेने से दो सजदे के बाद फिर तीसरा भी कर लिया तो तीन, तो तीन सजदे करने सही सब वाजिब हो जाता है नंबर दो नंबर तीन कादा उला या कादा अखीरा में तशाउद छूट जाने से अतः याद जो वो पढ़ना उस उसमें भूल गए तो वह उसकी सही सह वाजिब हो जाता है नंबर चार कादा उला में तशाउ के बाद दुरूद बकदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ पढ़ने से या इतनी देर खामोश बैठे रहने से मतलब एक या मुकम्मल कर लिया मुकम्मल करने के बाद अब दुरुस्प पढ़ना शुरू कर दिया हालांकि आपको खड़ा होना था तो इतना दुरुस्त पढ़ लिया अल्लाह सल मोहम्मद तो मोहम्मद तक भूले से पढ़ लिया मोहम्मद तक भूले से पढ़ लिया अब याद आओह मुझे खड़ा होना है अब अगर खड़ा होगा तो अब ये आपको सैया साहब करना पड़ेगा सै साहब करना पड़ेगा क्योंकि आप जो क्याम जो फ़र्ज था उसकी जाने में तखिर कर दी इसलिए का और या, ये या इतनी मकदार तक खामोश बैठा रहा अशद अब्दुल रसुल करके अब खामोश बैठा रहा तो मोहम्मद की मकदार तक खामोश बैठा रहा अब याद ओह मुझे खड़ा होना है अब खड़ा हुआ तो अब इतनी मकदार तक बैठा रहा है। तो गोया के फर्ज की तरफ जाने में ताखिर कर दी है लिहाजा सैजा साहब वाजिब होगा यहाँ पर बड़ा दिलचस्प किस्सा याद आया इमाम आजम अबू हनीफा रमत का ये मसलक है कि इसने जो अत्ता याद के बाद मोहम्मद तक मोहम्मद तक अगर इसे दुरुद पढ़ लिया तो सैदा साहब वाजिब हो जाएगा सैदा साहब करके भी आप सलाम फेरेगा तो, तो एक मरतबा ये इनका आपका ये फतवा है इमाम अबू हनीफा का तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतल्ला ने खबाब देखा खाब में सरकार द्वारा सल्ला वल्लम तरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अबू रहमतुल्लाह अलैहि से ये सवाल किया कि आप ये मसला बयान करते हैं कि अगर कोई कादा उला में तशहुद के बाद अल्ला मोहम्मद तक यानि मेरे मुझ पर दरूद अल्ला मोहम्मद तक दुरूद पढ़ दे उस पर सजा साहब वाजिब हो जाता है तो तुम मेरे मेरे मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले पर सजदा साहब वाजिब करते हो ये क्यों जूर ने गोया कि गीला किया कि मुझ पर दुरूर पढ़ने वाले पे तुम जो सैद साहब वाजिब कर देते हो तो अच्छा काम किया कि अल्लाह सल मोहम्मद मेरा नाम लिया और तुम उस पर कहते हो सैदा साहब वाजिब है ये आजर सल्लाम ने इमाम आजम अबू हनीफा से सवाल किया अल्लाह अकबर इमाम आजम अबू हनीफा रहा खूब जवाब दिया आपने फरमाया कि यारसोल्ला वसल्लम मैं इसलिए सहीदा वा, साहब वाजिब करता हूं कि आपका नाम गफलत में लिया है गफलत से लिया इसने तयुस से नहीं लिया गफलत से नाम लिया इसने भूले से नाम लिया हालांकि आपकी शान तो यह है कि आपको तो पूरे तयुस बेदारी से इश्को वरफगी से कोई याद करे अब यह गफलत से इसने अल्लाह महमदल करने के बाद भूले से महम्मद कह दिया याद ओहो ओ नहीं मुझे तो खड़ा होना है अब खड़ा हो रहा है फरमाया कि चूँकि गफलत से आपका नाम लिया ये पसंदीदा बात नहीं है इसको तो आपका नाम मोहब्बत और तयकु से लेना चाहिए था तो नबी पाप बहुत खुश हुए मुस्कराए कहा कि ठीक है तो देखो ये है आशकों की बातें और इमाम अब आज़म अबूनीफा के जवाब को रसुल बहुत पसंद फरमाया तो देखो इसलिए तो अल्लाह सल मोहम्मद ये यहाँ तक ये द्रोषी गफलत से अगर पढ़ा भूले से पढ़ा तो सैद साह वाजिब नंबर पाँच जारी नमाजों में इमाम के आहिस्त पढ़ने से जारी नमाज है और अल्लाह करके इमाम नेहमद लबिला आहिस्त पढ़ना शुरू अलहमदिल्ला रबी तो रबी लालमीन तक तो उसने पढ़ लिया तो याद है तो मैं तो ऊँची पढ़नी है तो इसका मतलब सही सब वाजिब हो जाएगा अब इमाम ऊँची किराद करे लेकिन यह कि आखिर में सही साहब करेगा नंबर छः सिरनी नमाजों में इमाम के जाहर करने से सही सब वाजिब हो जाता है यानी आहिस् नमाज़ करनी थी आहिस्त जो है उसने किरात करनी थी और शीरी नमाज में उसे जहर कर दिया जहर कर दिया और होता बज़ दफ़ा यहाँ पर असर के नमाज में ऐसा अंधेरा हो जाता बज दफ़ा हैं बारिश बर्फ़ की वजह से तो बंदा समझा मग़रीब का टाइम हो गया तो इमामों को जब वो चूक लग जाती है वो अल्लाह अकबर करके अल्हमद तो रबालमीन और रहम शुरू हो जाते हैं तो पीछे से आवाज़ सुबहान अल्ला सुबहान फिर वामोश खामोश हो ये तो असर की नमाज़ है मगरबी नहीं है तो ये होता है हमारे साथ भी कई फैसला हुआ है तो मत है तो सिर नमाज में जहरी करार कर दी तो फरमाया कि सजदा साफ करेगा अब वो पीछे से लुकमा देने से बातों तो से आ गई अब वह आहिस्क कराद कर रहा है लेकिन बाद में सजदा साफ करके इस्लाम फेरेगा नंबर छः सिर नमाजों में इमाम के जहर करने से सैजा सा वाजिब होता है बशर्तिया के ये तमाम बातें भूले से हुई हों भूले से हुई हों और जानबूझ के कर दी तो फरमाया कि उस सूरत में जब वो नमाज लौटानी पड़ेगी सवाल अगर इमाम के पीछे मुख्त से कुछ साहब हो जाए तो क्या करें मुख्त से साहब हो गया जब आप मुख्त के जिम्मे अपने साहब से सजा साहब वाजिब नहीं होता मुख्त तो इमाम के ताबे है उस ताबे से अगर कोई ऐसा साहब हो गया भूल गया कोई चीज़ तो उस पर नहीं है मतलब भूले से उसने तीन सजदे कर लिए तो कोई बात नहीं अब याद आकर अगर नहीं भाई दो ही सजदे थे या रुको डबल कर लिया भूले से है, इमाम के पीछे तो उस पर कोई सजदा साफ नहीं होगा सवाल मसबूक को अपनी बाकी नमाज पूरी करने में साफ़ हो तो क्या करे मसबूक को अपनी बाकी नमाज पूरी करने में साफ हो गया तो क्या करे जब आप इस सूरत में अपनी नमाज के आखिरी कादम में सजदा साफ करना उस पर वाजिब है अब मसबूक है जो इमाम के साथ एक रकत छूट गई है अब आखिरी तीन रकतों में शरीक हुआ है लेकिन इन तीन रकतों में उससे को साफ हो गया तो क्या करे सजदा साफ करेगा क्योंकि आप जानते हैं कि मसबूक जो अपनी इन तीन रकतों में इंडिपेंडेंट है यह जो उस लाहिक की तरह नहीं है कि इमाम के पीछे शुमार किया जाएगा लिहाजे इंडिपेंडेंट अपनी तिर में लिहाजा इमाम के पीछे नहीं है इससे अगर कुछ साफ होगा या रुकू डबल कर दिया या तीन सईदे कर दिए या अता भूल गया तो ये सजद साफ करेगा तो उस सूरत में जिसके नमाज़ कामिल होगी देगा का कि सैदा साहब छोड़ दिया तो फिर वाजब उ सईदा साहब अगर वाजब और सैद साहब ना करे और भूल जाए और सलाम फेर दे तो वह नमाज वाजब उल होती है मत नमाज अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी तो यहाँ तक ये मसाल मुकम्मल हुए हैं